गाइस नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो गाइस आपने थंबनेल तो देखा होगा, तो आज हम करने वाले हैं बोया M1 माइक का अनबॉक्सिंग। जो आज हम नया बोया का M1 माइक लाए हैं उसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइस। तो बोया का M1 का ये जो माइक है हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए गाइस बहुत बढ़िया है। अभी के टाइम में अगर आपको यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब पे अगर वीडियो बनानी है, आपको कंटेंट बनाना है, तो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए और आपकी क्वालिटी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। थोड़ी क्वालिटी ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, पर जो आपकी वीडियो की जो आपकी जो आवाज़ है वो गाइस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से जो है बोया M1 का माइक सबसे बेस्ट है गाइस, आपको बजट में भी पड़ेगा और ये माइक आपके लिए सबसे बढ़िया है साउंड के लिए भी। बोया M1 का ये माइक है। अगर आपको इस माइक को परचेस करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आज हम जो है इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका रिव्यू देने वाले हैं, ये कैसा माइक है और इस माइक का क्या फ़ायदा है ये बताने वाले हैं गाइस। तो चलो गाइस हम सबसे पहले करते हैं बोया M1 माइक का अनबॉक्सिंग। तो देखिए गाइस बेसिकली बोया M1 का माइक का कुछ इस तरह का ये पैकेट आता है गाइस। अब हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। देखिए गाइस अगर इसमें से देखा जाए गाइस तो कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का पैकेट आता है जो कि आप देख रहे मेरे हाथ में बोया लिखा हुआ। और अब हम इसमें से करने वाले हैं अनबॉक्सिंग गाइस। तो देखिए गाइस इसमें क्या क्या मिलता है, चलो आज हम आके देखते हैं गाइस। देखिए गाइस सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे ये मिलेगा आपको गाइस। देखिए सबसे पहले हमें जो आवाज़ है साउंड के लिए, साउंड क्लियर है उस चीज़ के लिए, और क्या मिलेगा गाइस हमारे को इसके साथ। तो देखिए ये एक पिन मिलती है जो कि आपके पास अगर DSLR है कुछ है उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा की पिन मिलती है। और गाइस ये जो है इसका मेन जो ये मिलता है हमें, और गाइस ये रिबिन जो हम यहाँ लगाते ये रिबिन मिलेगी आपको गाइस। इतनी चीज़ मिलती है गाइस और वारंटी कार्ड वगैरह होता है इसके अंदर गाइस बोया M1 का माइक। तो चलिए गाइस आज हम इस अनबॉक्सिंग करते हैं और इस बोया के माइक से आपको बताते। देखिए गाइस जो अभी तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो माइक बिना कर रहा हूँ, मैं जो फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है उससे शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो है आवाज़ बोल के दिखाऊंगा बोया M1 के माइक से। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग इस माइक को लगा देते हैं गाइस। देखिए माइक जो है इसका यहाँ पे ये जो होता है गाइस वो माइक के यहाँ पे लगाना होता है कुछ इस तरह से। आराम से लगा दीजिए गाइस, देखिए ये लग चुका है। अब जो गाइस इसका जो स्टैंड आता है जो हमें लगाना होता है कुछ इस तरह का, इस प्रकार का आता है। तो गाइस देखिए ये है इसका स्टैंड, ये कुछ स्टैंड आता है जो हमें यहाँ पे लगाना होता है इस माइक के साथ। तो गाइस देखिए ये आपको कहाँ लगाना है तो आप इसे आपके हिसाब से सेट कर दीजिए गाइस। देखिए मैं इसकी पिन खोल देता हूँ। देखिए गाइस इसकी पिन हम खोल देते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा वायर आता है गाइस, आपको पास अगर DSLR है तो बहुत बढ़िया माइक है। और देखिए गाइस हम इसे कहाँ लगाएंगे, देखिए मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ गाइस। तो अपने देखिए आप इसे वायर को यहाँ सेट कर दीजिए, वायर को आप देखिए यहाँ से जो है यहाँ पे सेट करना होता है। देखिए गाइस कुछ इस तरह से गाइस सेट करना होता है और उसके बाद जो माइक होता है कुछ इस तरह से लगा देना होता है गाइस। तो अब मैं आपको जो है साउंड बताऊंगा गाइस। देखिए इसमें दो बटन आते हैं गाइस, दो बटन दिख रहे हैं आपको, देखिए क्लियर दिख रहे हैं गाइस आपको दो बटन। ये बटन जो है पहला बटन जो है वो आपके पास स्मार्टफोन हो उसके लिए है, और दूसरा जो है कैमरा का। तो हम इसे स्मार्टफोन पर रखेंगे गाइस। तो अब हम इसे लगा देते हैं फ़ोन के नीचे। तो अब गाइस देखिए ये जो साउंड है आप सुन लीजिए, अब मैं बताऊंगा देखिए बोया का माइक लगा के उसका साउंड। गाइस देखिए अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोया के माइक से बोल रहा हूँ गाइस। तो देखा आपने किस तरह से मैंने बोया का माइक का अनबॉक्सिंग किया, और गाइस ये बोया का माइक बहुत अच्छा है, आप भी परचेस कर सकते हैं अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी। गाइस देखिए ये माइक से जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड आप सुनिए गाइस, जो पहले बोला उसके अंदर देखिए गाइस जिस तरह से आवाज़ में बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है इसमें आ नहीं रहा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। हमारे एक और इंस्टाग्राम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।